सर चीज केक मतलब यहाँ बैठ के तो कई केक खा चुके हम, और आप कई हमारे को लेके गए थे बाहर हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे हमने कई प्रकार के केक खाए थे, हमें तो ध्यान भी नहीं और हमारे को मिलता नहीं है ये चीजें, आम तरीके से मिल नहीं पाती हमारे को, इसलिए यहीं पे ही खाए हमने जो भी खाए। आप जो बता रहे हो केक का, तो केक तो केक होता है, और केक तो जब बर्थडे बनता है जब खाते हैं यार, और क्या बोलते हैं, हमारे मां तो क्या है कि केक का थोड़ा कम चलन है, बाकी जो लड्डू है ना लड्डू को बांट देते टुकड़े टुकड़े करके बांट देते। ठीक है सर, तो आज हम आपको जो चीज सर्व करने वाले हैं उसका नाम है ब्लूबेरी चीज केक। ओह क्या बात है, सर जो आप बता रहे हो ब्लूबेरी, तो मैंने यहीं पे खाई थी, उसका मतलब टेस्ट जो है अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है, और आप बता रहे हो कि ब्लूबेरी चीज केक, मतलब ये तो बहुत ही मतलब अतरंगी बात है कि ब्लूबेरी का केक, बहुत बड़ी बात है, तो देखने को मिलेगा मुझे यार। ब्लूबेरी एक फल है, वो केक के साथ मिल जाएगा तो धमाल कर देगा, वाकई मजे हो जाएगा एक साथ, तो मतलब धमाल करने वाला मतलब हाँ। क्या ओहो यार क्या बात है राहिन जी, देखो तो पूरे पैकेट में राजू भाई यार, देखो यार देखो यार राहिन भाई यार क्या चीज है यार, बहुत बड़ी चीज लाए सर आप, पूरा पैक उससे करके दिया यार। ओबे यार ओहो वाह यार, बोला था जो वही निकला यार, ये हल्का सा नीले रंग पे भी है, हल्के रंग पे भी है, ये जामुन लग रही है थोड़ा थोड़ा है, अरे ब्लूबेरी जैसा लग रही है मुझे तो, ब्लूबेरी खाई थी, कलर ऐसे ही है इसके ऊपर देखो नी, राहिन जी ने तो चिमटे की तरह पकड़ के ऊपर खींच लिया क्या, क्या बात है यार, देखो साहब आप इसको कहते चीज केक, हाँ ब्लूबेरी चीज केक, क्या बात है यार, वो कमाल की चीज दिख रही है, तो यार स्वाद और वो खुशबू वाली है हमेशा वो उसी तरह से आती है जो केक में आती है, बाकी इसके नीचे क्या है कि थोड़ी कत्थई बन पे कोई सी और परत है, तो नीचे से तो वही डबल रोटी वाला मोटा बन है, तीन है तीन चार है यार राहिन जी, देखो ये एक परत है, दो तीन चार परत है, चार परत है, सोचो आप बीच में अंदर कुछ बारीक बारीक चीजें भी दिख रही है मुझे, काजू काजू बादाम तो नहीं डाला मैं इसमें, तो यार राहिन जी खाने के बाद ही मालूम पड़ेगा यार, मतलब इसको बहुत तरीके मतलब मिश्रण करा है इसका राजू भाई, इसमें ब्लूबेरी की परत चढ़ी हुई है यार, वाकई में यार बहुत प्यारी लग रही है मेरे को तो यार, क्या भैया इसके जो बीच वाले हिस्से में जो है मुझे पनीर की जो है परत दिख रही है, और उसके नीचे तुमने गोरी नहीं करा, ब्रेड की परत है, हाँ यार ये बात तो गोरी नहीं करी यार, हाँ यार हर केक में ब्रेड मौजूद मिलेगी, हाँ यार ये बात तो गोरी नहीं करी अपन ने यार, ये सामान्य तौर पर ज्यादा था देखा मैंने जो नीचे ब्रेड ही रहता है, क्योंकि बताया था आपने उसको जो टिकेगा गाय के ऊपर, ब्रेड पे टिका दिया, ब्रेड पे टिका नहीं पड़ता पिछली बार चुप कर राहिन जी तुम्हारी राज तबाह करी है, तो जब खाना चल लो करो, नींद आ जाएगी नहीं तो की दिमाग को। सभी मिलाए थे उसमें, सब नहीं लोगे तो मजा ही नहीं आएगा यार, तीनों चीज मिला के खाएंगे तो मजा आएगा, जवाब यार मजे आ गया यार, ओह मलाई पूरा मतलब अंदर तक आराम दे दिया इसने, तो एक ही है वाकई में, ऐसा लग रहा ठंडक ठंडक, क्या बात है यार लाजवाब, इसकी तो बात ही नहीं चीज यार, बहुत ही रसीला है वाकई में, मजा आ गया मेरे हिसाब से तो केक से हटके ही कुछ चीज दिख रही है, मतलब इसको तो बहुत ही उससे बनाया, इसको बहुत मेहनत लगी हुई बनाने में क्या, वाह यार मक्खन मलाई का स्वाद आ रहा है सुनो तो यार, ये यार कमाल की चीज है वास्तव में, मक्खन मलाई का स्वाद आ रहा है, तरावट सी पैदा कर दी इसने तो यार, वक्की में आ मजा क्या मक्खन मतलब भर भर के मक्खन डाला इसके अंदर, क्या बात है यार, मुझे जो है इसके बीच वाले हिस्से में गुलकंद जैसा कुछ स्वाद आ रहा है, उसमें गुलकंद भी डली हुई है, बीच वाले हिस्से में जैसा लग रहा है कुछ गुलकंद जैसा स्वाद आ रहा है, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, सर जो पान के अंदर खाते हैं अपन, हाँ ये तो राहिन जी मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है ये खट्टा मीठा जो स्वाद दे रही है ये ब्लूबेरी का दे रही है, हाँ ये ब्लूबेरी खट्टी मीठी लग रही है, ब्लूबेरी खट्टी मीठी, हाँ खट्टी मीठी ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी का स्वाद दे रही है, ओहो
अपने यहाँ के बेर भी तो खट्टे मीठे रहते हैं। हाँ अरे अपने यहाँ के लाल बेर रहते हैं वो अधिकतर खट्टे ही रहते हैं, मीठे कम रहते हैं। ये बाकी यहाँ के तो लाजवाब। राहिन जी अपने वहाँ के बोर में नहीं गुटली रहती है और ब्लूबेरी में गुटली नहीं रहती है क्या राहिन जी? ये बात तो सही है, मन की है वो बगैर गुटली वाला बेर था। हाँ बगैर गुटली वाला बेर था। हाँ राहिन जी राजू भाई अपन जैसे रसगुल्ले मिठाई गुलाब जामुन हर तरह की चीज खाते कि नहीं अपन जैसे खाते लोग बाग अंग्रेजों खाते होंगे मेरे हिसाब से अंग्रेज लोग वहाँ पे यही खाते हैं बस मतलब वहाँ पे मीठे की वजह गुलाब जामुन ने रसगुल्ले की वजह एक केक चलता होगा ये खाते हो इसका चलन है मेरे हिसाब से ज्यादा ये चलन सही बात है बाहर बाहर क्योंकि वास्तव में इतनी मतलब बहुत चाशनी जैसा स्वाद आ रहा है कि मतलब एक रसगुल्ला उठा के खा लिया हुआ आपने इतना मीठा लग रहा है यार बहुत मिठास है इसमें मजा आ गया और इसके अंदर जो है कि जो मैदा है ब्रेड जो बनता है उसका स्वाद कम आ रहा है और दूसरी चीज मतलब मुझे बता रसीला वो चीज ज्यादा है मतलब ऐसा लग रहा है क्या हालांकि इसमें ब्रेड तो डली हुई है अपन मान सकते हैं बाकी ब्रेड का स्वाद बहुत कम आ रही है। हाँ। इसमें दूसरी चीजों का स्वाद तो भर भर के दे दिया है क्या राजू भाई और राहिन भाई तुम बोलो नहीं तो पनीर कूट कूट के भरा हुआ इसमें क्या वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को तो क्या लेकिन मैं जब से निवाला खा रहा हूँ तो निवाले के अंदर मुझे सिर्फ ब्लू बेरी का स्वाद आ रही है। हाँ कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि 70% इसमें ब्लू बेरी डाली है तो 30% दूसरी चीजें डाली जैसे पनीर है वगैरह। राइन में मेरे हिसाब से तो इसको क्या पीस वीस के डाला होगा इसको क्या ब्लू बेरी को। हाँ ब्लू बेरी को खा तो है अपन ने ब्लू बेरी वो बोर वाला बाकी इसको पीस के डाला होगा मेरे हिसाब से क्या इसका जो है कि अच्छा रस निकाल के निकाल लिया अच्छा मेरे हिसाब से क्या करा होगा इसको अच्छा कूटा होगा ब्लूबेरी को। हाँ तो फिर वो क्या है कि उन्होंने पानी आनी नहीं मिला होगा खाली कूट कूट के उसको गाढ़ा के गाढ़ा ऐसे कैसे जमा दिया केक के ऊपर सुपर पहले तो नीचे का हिस्सा बनाया उन्होंने। हाँ। फिर ऊपर से ब्लूबेरी डाल दी उन्होंने चारों साइड पूरी फैला दी तो उसका टेस्ट आ रहा है इसका मजा आ रहा है। अच्छा अरे राहिन जी मेरे दादा ने बताया मेरे को आजकल फ्लेवर ज्यादा चल गया हर कोई से तो क्या मालूम इसमें ब्लूबेरी फ्लेवर डाला कि नहीं क्या मालूम डाला कि नहीं। देख अमन मेरे हिसाब से तो इसमें फ्लेवर तो नहीं हो सकता नहीं है फ्लेवर नहीं है तो ये फ्लेवर वाली चीज अलग ही लोकल अलग ही दिखती है मजा नहीं आता खाने में उसको। ये बात तो है बाकी ये चीज जबान पे लगते से ही वास्तव में चार चांद लगा दिया इसने तो यार ये बात तो सही सरावट पैदा कर दी राहिन जी ये बात सही है फ्लेवर होता तो मैंने कहा जबान पकड़ लेती है सर हमारे यहाँ तो क्या है शादी में दाल और छोले की सब्जी रखता है शादी में खाने में वो बाकी किसी अमीर के यहाँ शादी रहती है तो पनीर की चीजें रखता हो पनीर की कई चीजें आती है वो रखता हो तो मेरे हिसाब से कहीं शादी में मतलब माँ के लोग ये VIP लोग हैं तो वही लोग रख सकते हैं क्योंकि हमारे तो बस में है नहीं है। राजू भाई तुम्हारी बात तो सही है यार मुर्गे से महंगा जा रहा पनीर यार क्या। हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल यार तुम्हारी यार पनीर पनीर है यार। अरे राहिन भाई अरे मेरे को एक दिमाग में याद आई इमली और कबीट डाल देता कैसी चीज है अबे क्या करिए आप पागल आगल हो गया है क्या अमन यार इमली और कबीट डलवा रही करवा दे अरे तब प्यारा लगेगा नहीं मजा आ जाएगा अबे बच्चे वाली खाने का हो जाएगा बच्चे वाली अरे जब इसकी शादी हो जाएगी नहीं तब इसकी घर वाले के लिए बनवाएगा अच्छा शादी बात बनवाया इसलिए राय दे रहा है। हाँ इसकी घर वाली को इमली कभी डाल के ही देगा ये वाला केक ही है क्या। अरे बार बार ऐसा मत बोला करो यार शर्म आ जाती है। सर आज माँ की बात निकली है तो आज इसी बात पे मेरी माँ का गाना सुनो। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ तू मेरी माँ मैं तेरा लाडला। धन्यवाद प्रणाम मुल्ला माता जी को मेरा तेरा प्रणाम क्या केक चाहिए धन्य माता जी को तो ये क्या होता है।